उतनी महत्वपूर्ण है जितनी हमारे लाइफ के लिए ऑक्सीजन, और इसी शिक्षा को बरकरार रखने के लिए देश भर के विद्यार्थी अनेकों विद्यालय, विश्वविद्यालय व शहरों में जाया करते हैं, जिनमें से एक शहर है हमारा प्रयागराज। प्रयागराज में विश्व भर से सैकड़ों लोग अपने शिक्षा के प्रसार के लिए हर वर्ष आते रहते हैं, और आप इस बात से वाकिफ होंगे कि प्रयागराज को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, और इसी उपाधि को बरकरार रखने के लिए प्रयाग के अनेक संस्थाओं ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें से एक है हमारा स्कूल एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज। माध्यम से मैं आज आपको अपना एंग्लो बंगाली स्कूल एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा, और पहले तो मैं अपने प्रिंसिपल सर का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे इस वीडियो बनाने की अनुमति दी, और उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिनकी वजह से यह वीडियो आज बन पाया। एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज प्रयागराज के सिविल लाइन्स एरिया में स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1875 ईस्वी में स्वर्गीय श्री शीतला प्रसाद गुप्तो जी के द्वारा हुई, जो प्रयाग माननीय उच्च न्यायालय में अनुवादक के रूप में कार्यरत। करीब 150 साल पुराने हमारे इस विद्यालय का अगर मैं इतिहास के बारे में बात करूं, तो शायद मेरे पास समय कम पड़ जाएगा इतिहास को बताने में, पर कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हमारे विद्यालय के बारे में उसको मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो हमारे विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य नेपाल चंद्र राय ने हमारे विद्यालय में लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को आमंत्रित किया था, और एक सभा का गठन हुआ था, और कहा जाता है कि जो सभा का गठन हुआ था और जो सभा हुई थी वो इसी जगह पर हुई थी जहां मैं ये बात आपसे बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पे आ चुके हैं, जिनमें से जैसे कि मैं अगर आपको उनके नाम बताऊँ, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस, और इनसे अधिक बहुत से अधिक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्रहालय में आगंतुक रह चुके। तो आइए अब हमारे प्रिंसिपल सर श्री स्वास्तिक बोस जी की बातों पे हम थोड़ा गौर करते हैं, और देखते हो हमारे विद्यालय के बारे में आपको और क्या जानकारी दी। एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज प्रयागराज की स्थापना 1875 में इसी प्रयागराज की पुण्य भूमि पर एक छोटी पाठशाला के रूप में हुई थी। शारज में ये जो पाठशाला प्रारंभ हुआ था, यह आज धीरे धीरे विकास करते हुए प्रगति की सीढ़ी पर आगे चढ़ता हुआ एक इंटरमीडिएट स्कूल के रूप में धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। आज इस सिविल लाइन्स जैसे एक महत्वपूर्ण शहर के केंद्र बिंदु पर स्थित है। इस विद्यालय में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों शाखाओं में उच्चतर अध्यापन कार्य कराया जाता है, जो बहुत प्रतिभाशाली और बहुत ही डेडिकेटेड टीचर्स द्वारा किए जाते हैं। हमारे इस विद्यालय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लैब के साथ साथ एक नए आयाम का भी शुरुआत किया गया है, जो है मैथ्स लेबोरेटरी। सामान्यतः विद्यालयों में मैथ्स टोटल थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, पर एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज प्रयागराज में मैथ्स को प्रैक्टिकल कोर्स भी पढ़ाया जाता है, और इस उद्देश्य से इसी साल मैथ्स लैब को प्रारंभ किया गया है। अध्यापन के साथ साथ इस विद्यालय में स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इसमें महत्व दिया जाता है। शाम को इस मैदान में सारे बच्चे यहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो खेलने आते हैं। स्पोर्ट्स के अलावा जो और भी कोकरिकुलर एक्टिविटीज होती है, जैसे डिफरेंट साइंस एक्टिविटीज और दूसरे एक्टिविटीज, इसमें भी ये विद्यालय निरंतर प्रतिभागिता करता रहता है। इस विद्यालय ने बहुत से उत्कृष्ट विद्यार्थियों को उत्पन्न किया है, जो अब देश के विभिन्न सेवाओं में कार्यरत ही कार्यरत थे, जिसमें न्यायमूर्ति, शिक्षाविद, हमारे पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्समैन आदि हैं। मैं इस विद्यालय के हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच सर आपका कीमती समय देने के लिए। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं हमारे स्कूल की लैब्स में, जहां हम थ्योरेटिकली पढ़ाई को प्रैक्टिकली रूप में फील करते हैं।
जैसा कि हमें प्रिंसिपल सर ने कहा कि हमारे विद्यालय में एक नए आयाम की शुरुआत हुई है जो है मैथ लैब। मैथ लैब में हम फार्मूला डिराइव करते हैं और हम देखते हैं प्रैक्टिकली रूप में कि जो फार्मूले हैं वो कैसे बने। पढ़ाई के साथ साथ हमारे लाइफ में स्पोर्ट्स का अलग ही एक इम्पॉर्टेंस है। जैसा कि हमें प्रिंसिपल सर ने कहा कि हमारे स्कूल एंग्लो बंगाली में रेगुलर स्पोर्ट्स होता है और मैं इस बात को कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं करूंगा कि हमारे स्कूल एंग्लो बंगाली प्रयागराज के बेस्ट प्लेयर्स देने में से एक है। यहाँ से प्लेयर्स स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल तक भी खेल चुके हैं। एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में अगर मैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो हमारे स्कूल में 11-a-side फुटबॉल ग्राउंड और क्रिकेट ग्राउंड विथ नेट प्रैक्टिस पिच एंड हैंडबॉल ग्राउंड और वॉलीबॉल ग्राउंड अवेलेबल है। और प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए यानी 1-5th क्लास के बच्चों के लिए अलग से प्राइमरी सेक्शन में एक ग्राउंड अवेलेबल है। अर्थात देखा जाए तो टोटल 5 ग्राउंड हमारे स्कूल में हैं जिसपे हर वर्ष एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन होता है और एनुअल स्पोर्ट्स में विजयी बच्चों को हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता है। हमारे स्कूल की फुटबॉल ग्राउंड पे इंडिया की बेस्ट फुटबॉल क्लब यानी मोहन बगान की टीम भी हमारे स्कूल के ग्राउंड पे खेल चुकी है। इसके अतिरिक्त हमारे स्कूल में हर वर्ष नेशनल लेवल टूर्नामेंट का आयोजन भी होता है जिसमें प्रयाग मंडल की अनेकों टीमें आपस में कंपटीशन करके विजयी बन के फिर वो स्टेट लेवल के लिए आगे बढ़ती हैं, जहाँ पे पूरे यूपी लेवल की टीमें आती हैं और उनका आपस में कंपटीशन होता है जिसमें विजयी होने के बाद वो नेशनल लेवल के लिए चुने जाते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ क्योंकि मैंने खुद इस स्कूल से बहुत सारे स्पोर्ट्स किए हैं नेशनल लेवल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने अपने कुछ दोस्तों का मदद लिया था जिनकी वजह से ये वीडियो बनाने मुझे बहुत ही आसानी हुई, तो मैं उनका नाम लेके उनका मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो पहले नंबर पर हमारे दोस्त अंबिका सिंह, जिनका मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला, जिन्होंने मेरे साथ कैमरा मैन का रोल अदा किया। और सेकेंड नंबर पर आते हैं हमारे दोस्त ऋषभ थापा, जिनका भी बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिला और उन्होंने भी हमारे लिए कैमरामैन का काम किया। और तीसरे नंबर पे हमारे दोस्त उज्जवल यादव, जिनका हमें अति बोले तो बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिला, जिन्होंने मेरे वीडियो बनाने के लिए अपना कीमती समय दिया और मेरे वीडियो में उनका भी कैमरामैन का रोल रहा है। तो आप सभी तीनों दोस्तों को मेरे दिल से शुक्रिया और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एवरी व्यूवर्स, keep sharing, keep supporting, keep loving. Thank you. See you in next vlog. Thank you. Bye-bye.